जय जोहर संगवारी हो, मैं हूँ किरण और आप मन देखत हो छत्तीसगढ़ के हमारे अपन न्यूज चैनल न्यूज 36। आज हमारे चैनल नवांजोर में आप मन से मिलवाना चाहत हन हमारे अपन सदस्य विद्या राजपूत जी करा। विद्या जी, आप मन के हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप मन के बारे में हमारे संगवारी मल्ला हमन कुछ बताना चाहत हन, ते आप मन शुरुआत करो अपन जिंदगी अपन गाँव ले अपन बचपन ले। अच्छा, ठीक है। मोर नाम विद्या राजपूत है और मैं फरज गाँव बस्तर के रवैया हूँ। और मैं हाँ, जैसे कि आपन कहा तो बचपन के बाद गाँव ले फिर शुरुआत करे बचपन में आओ स्कूल तक भी जाबो। हाँ, तो जैसे कि मैं बतात हूँ कि हमर मन के जिंदगी में बचपन नहीं रहा है, हमर मन बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। समय हमला ऐसे सिखा देते हैं कि हमर मन खुद बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। मोला जैसे याद है, जैसे मैं नानपन में अपन स्कूल जाऊँ कक्षा तीसरी चौथी पढ़े एक बात बतात हूँ, तब से मोला पता है कि जैसे लड़का मन मोर साथ में बैठना नहीं चाहे, मोल देख देख के हंसे। और जैसे खेल कूद होवे तो जैसे मैं यहाँ दौड़े भागेला आगे बढ़ूँ तो सब लड़का मन मोला देख के हंसे। तो अब मोला समझ में नहीं आए कि मोर साथ में गड़बड़ का हो, तो लड़का मन तो मन से दोस्ती भी करेल चाहूँ लेकिन ऐसे माहौल नहीं बन पाए। जैसे मैं अलग टाट पट्टी में मोला बैठाएँ या फिर मैं बाथरूम करेल जाऊँ तो मोला देख देख के हंसे। तो मोर अंदर में ना जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो कम होते जाते। से बचपन में तो ये शायद आप मतलब भी नहीं पता चलिस हुई कि मैं मन से अलग हूँ या इसी कुछ ही था, एक आभास आप मतलब कब हुई? ये लड़का मन जैसे ये बार बार जैसे टिक्का टिप्पणी करत रही ने कि छक्का ये मामू ये, तब मोला समझ में आई कि मैं इमन जैसे गाबा नहीं हूँ। और अब बड़ रोत रही हूँ लड़कापन में और ये चीज़ ला मैं कोई बतात नहीं रही हूँ। कोशिश भी कर रही हूँ माँ ला अपन की मैं ला बताऊँ, क्योंकि जैसे माँ बताए कोशिश कर रही हूँ तो माँ हाँ भी डांटिस मोला कि ते हाँ टूरी मन साथ अब्बड़ खेलथस और तेकर सेती तोला ऐसे टाइप के लो लड़का मन कथे लोग बाग मन कथे ऐसे करके ते अपन आदत ला सुधार कह के। और वोकर बाद में जतका झंडा देखा हूँ ते लड़का मन है ते मन लड़का जैसे एटीट्यूड करें और लड़की मन है ते मन लड़की जैसे एटीट्यूड करें। और मैं हाँ लड़का रहे हूँ ते मैं लड़की मन जैसे एटीट्यूड करत रही हूँ। बातचीत व्यवहार मोला सजना सवरना पसंद रही से, मोला नेल पॉलिश लगाना पसंद रही से, मोला थ्रेडिंग पसंद लगाना पसंद रही से, मोला लड़की बन के नाचना पसंद रही से। आप मन के ध्यान रह रहे कि लड़की मन साइड जाए जबकि होना लड़का मन साइड, ऐसे घर वाले मन। हाँ, ऐसे घर वाला मन तो कोनो घर वाला मन मोर नेचुरल बिहेवियर ला नहीं समझत रही ने। और मोला जो समाज के ढांचा है जो जेंडर रोल है ओकरे हिसाब से बड़ा करत रही ने, तो मोर बा बहुत दुविधा रही से क्योंकि मैं अंतर आत्मा ले मैं लड़की रही हूँ और लेकिन मोला लड़के के शरीर मिल के रही से और मैं खुद तकलीफ में रही हूँ कि मैं काबा लड़के के शरीर में हूँ। और मैं बाहर निकलना चाहत रही हूँ वो प्रॉब्लम से कि मैं कहाँ हूँ। हाँ, मैं हाँ मोला अपन पहचान चाहिए और मैं जो हूँ जैसा हूँ ओला स्वीकार करें सब जन और वैसे ही प्यार करें जैसे एक लड़का लाओ को लड़का होने से प्यार करते एक लड़की। इतना सारा परेशानी लेके भी स्कूल में फिर कहाँ तक साथ दे अपन? मैं स्कूल पढ़े हूँ लेकिन हर दिन स्कूल पढ़े बा बहुत मतलब मोला डर लगत रही से उठ के फिर हिम्मत जुटाना पड़ता स्कूल जाऊँ कि नहीं जाऊँ। और रोज पेट दर्द के बहाना करत रहे हूँ और उकर बाद फिर मैं कहूँ कि मैं स्कूल नहीं जाऊँ। अब अतका बड़े प्रॉब्लम रही से कि माँ में हाँ टूरन हूँ टूरी हूँ कहीं ऐसे बता सकूँ का बाकी ये बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए रहते। और घर वाला मन भी ऐसे मोला देखत रही ने कि एक अच्छा स्टूडेंट बने लड़का लड़की बने ये इस लोगों के लिए प्रॉब्लम उमन बन बा प्रॉब्लम ही नहीं रही से। मतलब उमन बा ये रही से कि अच्छा स्टूडेंट बने और लड़की जैसे हरकत छोड़ दे तो फिर मारपीट भी चालू कर दिन परिवार वाला मन दोस्त यार मन और चिढ़ाव चालू कर दिन। पहले समझाए कोशिश करी हुई जब आप मन उमन नहीं ढल सके हो तो उमन फिर हाँ डरा धमका के सही लेकिन आप मतलब उइम ढाले से सोची रही हुई। हाँ उमन शुरू में समझात रही ने और कई जन मन ऐसे हैं कि उमन मन हाँ सीधा सीधा मजाक उड़ात रही ने छक्का जाते नपुंसक जाते ना मर जाते तो अंदर से जो कॉन्फिडेंस रही से ना साथ में खेलो कूदे के वो साथ धीरे धीरे मैं यहाँ छोड़ दी हूँ। तब मैं यहाँ ज़्यादातर मतलब मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन में रही हूँ और बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला सोचती थी उस समय। मतलब अकेला पाती स्कूल लाइफ के बाद फिर आगे कॉलेज वॉलेज के कुछ हुई से कि स्कूल वहीं तक खत्म कर दे? नहीं मैं हाँ कैसे जैसे भी है मैं 12वीं तक पढ़े हूँ, 12वीं पढ़े के बाद फिर मैं एक साल शिक्षा कर्मी के पोस्ट करे हूँ।
जे समय शिक्षा कर्मी काम करत रही तो मोर हेडमास्टर है बनी रही से और वो हाँ बहुत सपोर्ट दिस पूरा स्कूल मोर ऊपर छोड़ दिस। तो स्कूल में जो क्रीड़ा प्रतियोगिता होते खेलकूद प्रतियोगिता होते तो वो समय में मैं अच्छा लीड करे अपन स्कूल ला ता, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं रही से वो नौकरी है। वो नौकरी जो है वो 6 महीने ही रही से दोबारा नियुक्ति नहीं हो पाई मोर मेट लिस्ट वेटिंग लिस्ट में नाम आ गई लेकिन दोबारा शिक्षा कर्मी नहीं बनी। तो ओकर बाद फिर रायपुर आया मोर बहनी की इसकी ITI कर ले करके तो मैं ITI करे 2 साल तो ऊँचे बहुत परेशानी हुईस वहाँ ये परेशानी हुईस कि दुर्ग के लड़का मने और सब बड़ा बदमाश तो ओमन मन तो बाथरूम में बंद कर दें मोर ऊपर सुसु कर दें मोर पेंट ला खींच दें तो डर के मारे तो मैं एक को दिन बाथरूम नहीं किया। ओकर बाद मतलब रिसेस में भी मैं हाँ अपन बाथरूम ला रोक के रखो जब तक छुट्टी नहीं। हाँ नवा नवा गांव ले आ रहे हूँ तो शहर में बाहर बाथरूम जाला और डर लगे तो एक दो बार मैं यहाँ विरोध भी करे हूँ जैसे कैसे अब चाक फेंक के मारत हैं पढ़ाई करत समय अब टीचर भी इग्नोर करे बदमाश लड़का मन कह के और कई बार डांटे भी हो मतलब तो मैं एक बार गाली दे दी हूँ तो सब वो लड़का मन गुरुजी जाने के बाद फिर पकड़ लीन और फिर बहुत बड़े विवाद टाइप के हो गए वहाँ पे सब तरफ चोट आ गई से चेहरा पे। तब वापस घर गए हूँ तब मोला पूछिन घर वाला मन कि का हुईस करके जी दीदी और जीजा मन तब मैं मोला बोली हूँ कि कुछ नहीं मैं ट्रक के अंदर आ गई थी करके लेकिन ओमन मल्ला समझ में आ गिरी से कि एक साथ कुछ तो कुछ गलत हुआ है ऐसे करके। लेकिन यही था कि तब भी मैं अपन आपला कैद में पात्र हूँ ऐसे लागत रही से कि एकदम जो हाँ मैं बाहर खुल के आ जाऊँ सबला बता दूँ कि मैं ऐसे हूँ करके। लेकिन मैं ऐसे हूँ करके बता दूँ मतलब मैं ये दुनिया में आ रही हूँ एक लड़का के रूप में लेकिन मैं हाँ ये दुनिया में एक लड़की के रूप में जन्म लेना चाहती हूँ। लेकिन दिक्कत ये रही से कि पूरा समाज के मन मोर से अलग हो जाते हैं जे घर में खेलो कूदे हो मोर माँ मोर भाई और मोर दोस्त यार मन सबके छूट जाने के डर बने रही है। मतलब ये डर लगे रही सोई ना कि अगर ये सारी बात घर में बता दी है समाज में फैल जाए तब भाई बहन से दूर समाज हाँ। से दूर माँ बाप से दूर और शायद वही हुई से। हाँ वही हुई से मतलब जब तक माँ रही से तब तक तो मैं मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं गई हूँ लेकिन माँ के जाए के बाद फिर मैं ट्रांसफर साल हो गए वो 2009 में गुजरी तो कर बाद के बाद अपन उनकी जिंदगी कैसे मैं हाँ गांव में जैसे ITI करे हूँ उकर बाद रायपुर आए और रायपुर में जैसे मैं यहाँ नौकरी खोजत रही हूँ। अच्छा एक घटना होगी कि वो दिन मैं यहाँ मोर अपन भतीजा मन सतराहत रही हूँ मनी जे BIT करत रही ने इंजीनियरिंग मैकेनिकल ले तो कर बाद फिर मैं यहाँ सब्जी लिए साइकिल वाला सब्जी लेके आई भाजी लेके आई तो चूँकि मैं यहाँ गाँव के रवैया हूँ तो मुझे भाजी बहुत पसंद है तो भाजी लियो और अपन हाँ अपन भाजी लियो और अपन पर्स ला ऊँचे छोड़ दियो तो गांव नहीं जा पाया तो वो देख के पेपर कटिंग देख के सब जगह काम ढूँढे तो पहले तो स्वीपर के काम मिलीस ओकर बाद फिर टेलीफोन बूथ में काम मिलीस ओकर बाद फिर वेटर के काम मिलीस फिर एक जगह फ्रंट ऑफिस मैनेजर के काम मिलीस तो होटल ज्योति में मैं 3 साल काम करे हूँ फ्रंट ऑफिस मैनेजर के। लेकिन मैं यहाँ उतनी पढ़त रही हूँ पढ़ाई के साथ साथ मैं काम भी करत रही हूँ ओकर बाद फिर लेकिन अंदर में एक सवाल रही से शुरू से कि मैं अपने अंदर की लड़की को किसी तरह बाहर लाऊँ हाँ। तो मैं ढूंढती थी कि ये दुनिया में कोई मोर जैसे हावे कि नहीं हावे मैं हाँ हाँ मैं मतलब हाँ कोशिश कर सकते हो हिम्मत मिलना चाहिए हाँ मैं चाहती हूँ मोर सहेली मन मिल जाए हाँ। अच्छा अभी तक मैं वो भी नहीं जानत रही हूँ काबा की वो 2000 के समय में उसका TV और ये सोशल मीडिया उसका वो नहीं रही से कभी कभार न्यूज़पेपर में ये सब सुने ले आ जाए लेकिन मोला समझ में नहीं आती से कि मैं वो समय भी कहाँ थर्ड जेंडर हूँ कहाँ कह के मोला तो लगे कि ये कोई साइकोलॉजी प्रॉब्लम है तब से मैं अंदर मतलब कंफ्यूजन ही रही हाँ मैं मतलब जैसे आम लड़का आम लड़की मतलब वो लड़का है लड़की है कंफ्यूजिंग नहीं रहा है हाँ। लेकिन हमर जैसे मन के साथ में ये प्रॉब्लम रहते कि आधी जिंदगी बीत जाए के बाद बहुत ज़्यादा ओरल एब्यूज होने के बाद बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एब्यूज होने के बाद ये पता चलते कि हमन मन जब बहुत ज़्यादा दुनिया देख लेते हैं तब पता चलते कि हाँ मैं ऐसे हूँ और जो हाँ वोला स्वीकारना बहुत कठिन होते एक तो मैं अपन आपला जानत नहीं हूँ एक तो मैं दूसरा शरीर में हूँ और वो शरीर ले मोला खुदला पैदा करना है।
फिर मैं यहाँ समाज ले डरत हूँ, परिवार ले डरत हूँ कि अगर मैं कहीं आऊँ तो मोर घर वाला मन दुखी हो जाही, बाहर निकलूँ तो दुखी हो जाही, अपन रूप में आऊँ तो दुखी हो जाही। ओकर बाद फिर ये तकलीफ रही से कि जैसे मैं कक्षा पाँचवीं छठवीं में पढ़त रही हूँ तो मोर घर में लाइट नहीं रही से, तो मैं दूसरा घर में पढ़ेल जाऊँ, तब पढ़ेल जाऊँ तो रास्ता में एक ठन पुलिस थाना मिले, तो वो सिपाही रात ड्यूटी वाला मोला बुला एक रुपये दे, तो मैं कहाँ ये हाँ ऐसे काबा करत ही कहके, तो ओकर पहले से मैं रात पढ़ाई में भी बड़े गुरु जी के यहाँ जात रहे हूँ। और ओकर बाद फिर कैसे होगी कि कुछ मन मोला लड़की समझें कि फेमिनाइन मेल है कहके, तो वो मन मन फिर मोर सेक्सुअल एब्यूज करे शुरू कर दी। विद्या जी अब यही मेरे थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, संगवारी कहूँ जाऊँ जहन हम जल्दी से वापस आते हैं विद्या जी के साथ, आगे ओकर जिंदगी संघर्ष में उमन का फेस करी से एला देखो। नवांजोर में आप मन के फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद हमारे साथ अभी भी विद्या मैम है। हमन जानत रहे ओकर जिंदगी के कुछ कमजोर पहलू जेला लड़ के ओमन है आज यहाँ तक के पहुँची से। मैम आप मन है जब मैनेजर की नौकरी करे हो और जो भी छोटे मोटे अपन काम के शुरुआत करके आज यहाँ तक पहुँचे तो ओखर मन में आपन ला कितना परेशानी की से? तब भी परेशानी रही से काबा कि मोला अपन आप लोग छुपा के रखे पड़े और एक घुटन महसूस होती रही। जब आप मैनेजर की नौकरी करते हाँ। थे आप मन यही में रहे हो कि ओ नहीं? तब मैं यहाँ पेंट शर्ट पहनत रहे हूँ और तब मुला कहीं ना कहीं अंदर से घुटन लगत रही से कि मैं जैसे हाँ वैसे दिखाई का बनी दो। और उकर बाद ये सारा बात ला मैं अपन परिवार ला भी नहीं बोल पाती रही हूँ। उकर बाद फिर मोर लाइफ में जैसे सब जन के लाइफ में कोई ना कोई एक लाइफ पार्टनर रहते हाँ। तो ऐसे हो इसकी मोर सन भी मतलब एक एक अटैचमेंट हो इस, अब वो अटैचमेंट हो दो तीन साल तक के वो रिलेशनशिप रही से। तो अटैचमेंट जब आप मन मैनेजर की नौकरी करते हो तब से ही शुरू हुई से? हाँ कि वो तब समय तो आप मन लड़का के वेशभूषा में हाँ, आते हो हाँ, ना? हाँ, लेकिन इमोशनली मैं यहाँ तो लड़की रही हूँ ना हाँ, तो इमोशनली अटैच हो गई हाँ, इमोशनली अटैचमेंट रही और हमारे रिलेशनशिप भी चली। और ओकर बाद फिर ये रिलेशनशिप जैसे तीन साल चली जहाँ पे फाइनेंशियली हो गए और इमोशनली हो गए और काफ़ी हद तक के फिजिकली हो गए, वो सब वो अटैचमेंट रही से। आप मन जो हो जो चीज़ घर में आप मन नहीं बता सके हो तो जब ये अटैचमेंट शुरू हुई से तो उमन ला बता रहे हो? हाँ बोला सब मालूम रही से था, वैसे मोला स्वीकार कर रही से और वो हाँ फिर मोर जिंदगी लिए चल दी से एक दिन अचानक। ये कैसे हुई से? ये वो शादी करत रही से तब हाँ। फोन ना बंद कर दी और वो कर करने वाला रिश्ता आप मतलब कुछ बताई से? नहीं नहीं बताई मतलब आइस भी एकदम अनजान बन के और गीस भी अनजान बन के हाँ। तो तब मुझे लगी कि कैसे यार मतलब कोई इंसान कमिटमेंट होके कोई हाँ। ला बिना बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे हुए ऐसे रिलेशन ला तोड़ सकते जो बहुत अच्छा कनेक्टिविटी रही से, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग रही से, बहुत विश्वास पे टिके रही से, बहुत ईमानदारी पे टिके रही से। तब फिर मैं अपन माँ ला कहे हूँ कि मैं हाँ अब होटल के नौकरी नहीं करूँ, मैं 5-6 साल कर डाले हूँ और मैं एनजीओ काम करूँ कोई के काबर की मैं जैसे बता रही हूँ आप मतलब कि मैं अकेलापन बहुत महसूस कर रही हूँ। तो होटल की ड्यूटी के बाद मैं कलेक्टर गार्डन जा रही हूँ तो वहाँ मैं अपन जैसे बहुत सारा मन से मिले हूँ तो मतलब पहली बार दुनिया में रिलाइज हुई कि मैं एक जन नहीं हूँ और जैसे बहुत हैं ओपन मन अपन इंजॉय करें जैसे नाचें गाएँ बात करें लड़कियों मन जैसे तब मोला बहुत अच्छा लगी। तो फिर ओमन साथ में मैं यहाँ टाइम एक्सपेंड करेला शुरू कर दी हूँ। फिर तभी कहा होगी इसके एक एनजीओ वाला मन आई और वो एनजीओ वाला मन आने के बाद में ओमन बताएं कि हमारे समाज में जैसे कि सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है सेक्सुअल एक्सेप्टेंस होने के कारण या सेक्सुअल एब्यूज़ होने के कारण या फिर शादी नहीं होने के कारण हमारे समाज में बहुत ज़्यादा HIV फैली से तो समझाई ओमन मन हाँ। तो समझाने के बाद फिर हमन मन है सबसे HIV जांच करा ला हमन मन मेडिकल कॉलेज में गए। तो हमन मन 25-26 जन गए रहे ते में से कम 16-17 जन मन ला HIV पॉजिटिव निकल के। तो फिर एक बहुत धक्का पहुंच गए कि मैं मोला तो नहीं रही से मैं कहा किसी तरह बच गया हूँ लेकिन जैसे मोर दोस्त मल्ला मोर सहेली मल्ला ऐसे निकल गई तब मैं मतलब बहुत चिंता में पड़ गई हूँ कि परेशानी से निकले नहीं कि दूसरा हाँ, सब एक हर बार का करे जाए हाँ।
फिर ओकर बाद फिर बहुत सारा जन मल्ला जैसे काम खोजल जाए तो काम में भी परेशानी रही से जैसे उमन होने कारण उमन अगर पता चल गए तो और ज्यादा साइड कर देंगे एच आई वी तो एक बात है लेकिन ये बात ये रही से कि जैसे वो हैं उस रूप में उमन मल्ला कोई काम नहीं दे हाँ और रूप बदल के जाए भी तो लोग उमन ला हंसे मजाक उड़ाए तो फाइनली उमन मल्ला सब जन ट्रेन में मांगल चलते तब मोला ये तकलीफ समझ में आई कि एक इंसान एक व्यक्तित्व एक जीव जो दूसरे के शरीर में पैदा ले थे ओकर बाद वो ओकर कोई सपोर्ट नहीं करे इवन परिवार तक जेमन जन्म देते ओकर बाद फिर मैं समाज में जैसे आए हूँ ये थर्ड जेंडर के लोग से जैसे मिले लग गए हूँ तैमन में फिर एच आई वी के परेशानी ओकर बाद समाज में सेक्सुअल एक्सेप्टेंस फिर सेक्सुअल एक्सेप्टेंस से फिर वेश्यावृत्ति तो 15-20 रुपये में अपन शरीर लपेचत हैं और फिर मैं देखूँ कि बहुत जन में निवार नहीं है एच आई वी से और उमन में एच आई वी एड्स होने के बाद में एड्स के कंडीशन में जाके बहुत जन में अपन पूरा जीवन काल ला भी नहीं जियत हैं तो फिर मोला लगे कि अब ना मैं यहाँ एन जी ओ सेक्टर में काम करूँ अपन सहेली मल्ला ढूँढ ढूँढ के उमन के काउंसलिंग करूँ उमन ला एच आई वी टेस्ट कराऊँ और प्रोटेक्शन बताऊँ कैसे प्रोटेक्शन लेते हैं ओकर बाद फिर जो मैंने एच आई वी पॉजिटिव निकल ही तो उमन ला ए आर टी दिलाऊँ तब फिर वो समय में है ये ठान लिया अपन अस्तित्व ला बाहर निकाल के फिर आओ जो उमन ला ढूँढ ढूँढ के ओकर मन के अस्तित्व दिलाना ये बहुत हाँ, बड़े बात है हाँ लेकिन अभी भी मैं यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं गिरे हूँ अच्छा वो आगे बताऊँ मैं यहाँ ये जो आप मन के ब्रेकअप हो रही से मतलब ब्रेकअप नहीं खत्म हो गई रिश्ता ओकर बाद और कोई नया नहीं वो ओकर बाद में ऐसे है कि जिंदगी में तो हर दिन जैसे ही मैं अकेलापन महसूस करती हूँ तो मुझे हर वक्त लगता है कि कोई साथ में हो हाँ। चाहे वो पिता के रूप में हो चाहे वो भाई के रूप में हो और एक उम्र रहती है जहाँ मैं टीनेजर से यंग टाइम आती हूँ उस दरमियान लगता है कि कोई एक कंधा हो जहाँ पे मैं रो सकूँ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकूँ कि मैं बहुत अकेलापन फील करती हूँ और जैसे ही घर से बाहर निकलती हूँ काम के लिए तो लगता है कि कोई एक कॉल आए अगर शाम तक नहीं लौटती हूँ कि तू कहाँ है पूछे कि कहाँ हाँ तूने खाना खाया है नहीं या कम से कम साथ में कोई सोए पर हम सभी ट्रांसजेंडरों के साथ ये दुर्गति है और ये विडम्बना है कि आज भी हम इसी समाज के अंग हैं पर लोग हमें सामाजिक नहीं समझते और एक तरह से पूरे समाज का थर्ड जेंडर के लिए सामाजिक बहिष्कार है तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए डिसीजन दिया है एक थर्ड जेंडर के अधिकारों को सुरक्षित रखे मेरे ख्याल से एक जितने प्रकार के भी जो भी व्यक्ति दूसरे समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए सामाजिक बहिष्कृत करते हैं तो सामाजिक बायकॉट के लिए एक बहुत बड़ा कानून आना चाहिए एक बार फिर से छोटे से ब्रेक लेथन विद्या जी से बात आके जारी रही तब तक आप मन बने रहो न्यूज 36 में नवान जोर में आप मन के फिर से स्वागत है हमारे साथ है विद्या राजपूत जी अभी तक के खर जिंदगी के बहुत चीज हमन छोटा छोटा पहलू जान चुके हैं अब ये देखो कि एमन है अपन अस्तित्व में आगे है एमन ट्रांसजेंडर करवा चुके हैं तो आप विद्या जी से पूछतन के ओखर मन के आगे पहल का हुई से ये चीज में जाए या कोई और सपोर्ट करी से आप मन खुद गए हो या कोई समझाई से कोई तो ऐसी हुई जो आप मन चीज के बार बोली सुई हाँ मैं शुरू से चाहत रही हूँ कि मैं एक महिला के रूप में समाज के सामने आऊँ और अपन वजूद ला अपन अस्तित्व ला यहाँ पे स्थापित करूँ और जैसे मैं चाहत रही हूँ वैसे जिंदगी जीऊँ मुलाकात का आज़ादी हो और हर इंसान लात का आज़ादी होना चाहिए कि वो अपन अभिव्यक्त कर सके अपन मन के बात अभिव्यक्त कर सके अपन मन के मुताबिक वो रह सके और दूसरा इंसान ला एकर से नुकसान ना हो हाँ। तो मैं जैसे एनजीओ सेक्टर में बताऊँ कि मोर आने के बाद में कि धीरे धीरे मैं अपन समाज वाला मन से मिले हूँ हर टाइप के समाज वाला मन से मिले हूँ साड़ी पहनने वाला हिजड़ा समाज से मिले हूँ कोती समाज से मिले हूँ और उमन पर राशन कार्ड वोटर आईडी कार्ड और उमन पर लोन स्कीम उमन में बैंक पासबुक बनाना उमन के SHG बनाना उमन के संगठन तैयार करना अपन खुद के संगठन तैयार करें तो ये करत करत धीरे धीरे मोर अंदर में कॉन्फिडेंस आई विद्या जी मतलब
आप मन जैसे चाहत रहो कि मैं अपन असली रूप में रहूं समाज के सामने, हाँ। तो आप मन अपने जैसे जैसे लोग मन से मिलल गए हो, तो ओखर मन से कई लोग ऐसी भी रही हुई कि ओ मन समाज ला छोड़ के अपन असली रूप में नहीं आने की कोशिश नहीं करत रही हुई, तो आप मन ला ओ मन ला समझाए की जरूरत पड़ी कि सब मन तैयार रही से नहीं ओमन मन जैसे हैं आज भी वैसे हैं, मतलब कई लोग हुए ना कि समाज के साथ ही चल, वो भले छुप के चलन, ऐसे मन है और तो ऐसे मन भी फेस करना पड़े रही सुई। हाँ आज भी दिक्कत ये बात के है कि लोग खुल के सामने नहीं आए। हाँ। खुल के आना एकर बार जरूरी है, कहीं ना कहीं इंसान तो अपन वास्तविक रूप में आही, अगर वास्तविक रूप में नहीं आते मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ होते। ज़्यादा जन लड़का मन या ज़्यादा जन आदमी जन हमारे समाज के मन जमन अपन वास्तविक रूप में नहीं आते, मतलब ऐसे ही मन के सेक्सुअल एक्सेप्टेंस है, और सेक्सुअल एक्सेप्टेंस है मतलब HIV हो सकते हो मनला, ऐसे जमन खुल के नहीं आते हो मन में 50% HIV के ज़्यादा संभावना बढ़ जाते हैं। हाँ तो ये बड़ा दिक्कत है। तो आदमी स्वतंत्र रूप से जिए और जैसे आप फील करते हैं वैसे अभिव्यक्ति में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमन वो काउंसलिंग नहीं करें लेकिन ये कहान कि आप जैसे हो वैसे अपन आप ला स्वीकार करो। हाँ। बाकी रहना नहीं रहना आपके ऊपर है, काबर की ओमन खुल के तो आ जाए लेकिन ओमन के पीछे ओमन के परिवार है। हाँ, तो यही तो, कि परिवार छोड़ के ओमन आना चाहिए नहीं, तो आप मतलब हाँ, बहुत फेस करना और परिवार में भी क्या है, जैसे परिवार में खुल के रह नहीं सके, परिवार समाज के साथ जुड़ी से तो परिवार वाला मन भी डरते, तो ऐसे माहौल बन जाते कि लड़का घर ले बाहर निकल जाते। तो एक इसी ऐसा समय में यहाँ मनेन्द्रगढ़ की हूँ और मनेन्द्रगढ़ में मोर सहेली प्रचार करें, तब पहली बार में हाँ मोर सहेली के हूँ कि मुँहला तैयार करते करके, तो वो हाँ मोला फिर साड़ी लुगड़ा पहनाइस बने और मैं फिर वो समय वीक लगा रही हूँ मैं। हाँ वीक लगाए के बाद जब मैं बाहर निकले होकर चुनाव प्रचार करे बा और पहली बार मैं अपने आप ला आईना में देखी हूँ, ओकर बाद मोला फील हुई तब पूरा संतुष्टि हुई कि आज जो मैं हूँ वही हूँ, और मोर अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आई, बहुत कॉन्फिडेंस। फिर मैं बोले नहीं अब साथ में ना शहर में भी रायपुर में भी असने रहते हो तो बहुत अच्छा रहते से कि रायपुर आए तो कभी कभी तैयार हो और छुप के काम करे जाओ मूल बांध के, तो सब जन जाने ये विकास है साड़ी पहनी से लेकिन आप मन के नाम विकास है पहले। हाँ पहले विकास रे से, लेकिन फिर मैं ओकर बाद मैं क्या करूँ कि फिर धीरे धीरे मोला पता चल गई कि सब जन तो जाना थे मैं हूँ कहीं के, तो फिर जो मूल बांध छोड़ दियो फिर मैं अपन खुद के नाम रखी हूँ, वी से विकास री से थे, वी से विद्या होगी। हाँ। और उकर बाद फिर मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी, मतलब वो दिन के शुरुआत हुई तब से आज तक जैसे रहो। हाँ। वैसे छो और वो कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार है। हाँ उकर बीच में एक घटना हो गई से जैसे मोर माँ हरी से और जैसे आज जात मोला लड़का मन छक्का मामू ऐसे कह के चिढ़ाएं हर दिन महीना दो महीना, तो एक दिन पलट के जवाब दे दिए तो सब जन ग्रिल व्रिल तोड़ के घर में आई ना, वे बीच में माला भी चोट लगी इस मोला भी लगी, थाना भी नहीं गई हूँ काबा कि मैं सोचे तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही से। ओकर बाद फिर मोर माँ है ना मतलब मानसिक रोगी हो गए और ओकर बाद बहुत ट्रीटमेंट कराएं, तो माँ हाँ तो बस यही बोली इस मोला कि ते एक जन हो जाबे करके पता, तो पता नहीं मोला आज भी रुआसे आते कि वो सही बात बोल के गेरी से, अतका जतका मोर माँ हिम्मत करे इस मोर साथ रहे बा उतका मोर भाई बहन मन नहीं करी नो मन मन कहीं कहीं मोला ऊँचे छोड़ दी जहाँ मैं हूँ, मतलब वो मन उतका हिम्मत नहीं जुटा पाएं कि हमार भाई या फिर हमार बहनी जैसे है हमला वैसे स्वीकार है। और शायद मैं हर परिवार नए मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि लड़का जैसे अभिव्यक्ति से जीना चाहे ओलाद का अधिकार होना चाहिए, ओलाद का स्वतंत्रता देना चाहिए कि वो अपन मन के कर सके, अपन जिंदगी जी सके, और तब फिर सपोर्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छा जो बल्लेबाज है पूरे विश्व में वो सचिन तेंदुलकर है और लेफ्टी है, और सब जन कहते हैं कि लेफ्ट से खाना मत खाओ, और वो लेफ्ट से खेल के विश्व के महान बल्लेबाज बन गए। तो ये जो अवधारणा है कि कपड़ा में कहीं नहीं रखा लो है, जेंडर में कहीं नहीं रखा लो है, भाषा लिंग रंग में कहीं नहीं लिखा लो है, मेन तो आदमी के कर्म होते, मेन तो आदमी के शिक्षा दीक्षा होते, तो शिक्षा दीक्षा अच्छा हुई तो कर्म भी अच्छा बनी, तो हर इंसान ला इस विषय में सोचना चाहिए। उकर बाद फिर मैं हाँ एक ठन ऑपरेशन होते हैं हमार मन के, जैसे कि महिला मन के जतका जो इंटरनल पार्ट होते ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन होते और SRS होते सेक्स रिसाइमेंट सर्जरी होते, तेला कराब मैं यहाँ बाहर गई हूँ पांडिचेरी, और वो कराक बार मोर अंदर में बहुत शांति मिल गई,
अब मोले लगे इसकी मोर जो जीवात्मा है वो क्रिया ही शरीर है। ओकर बाद में काम तो करत रही हूँ काबा की, ओकर बाद हम लगातार मिनिस्ट्री में जाते रहे। मोर अंतर भी जो आत्मविश्वास रही से वो बढ़ गिरी से। हमार थर्ड जेंडर वेलफेयर बोर्ड बनी, बोर्ड में 12 HOD है, अलग अलग विभाग के सचिव सर लोग हैं। उसके बाद फिर माननीय मंत्री महोदया जो है रामशीला साहू जी उसकी अध्यक्ष है, और उसके बाद में मैं भी मेंबर हूँ। तो 5-6 साल से एडवोकेसी करत रहे। 15 अप्रैल 2014 के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आई, और डिसीजन आने के बाद फिर हमारे मन के बोर्ड भी बनी। हमारे मन बढ़िया एडवोकेसी करे रहे, और छत्तीसगढ़ सरकार भी बने, और अधिकारी मन भी बने, जो हमारे बात ला बहुत संवेदनशीलता से और बहुत गंभीरता से और बहुत प्राथमिकता से वो दिन भी लीन और आज के दिन भी अमन मन ले थे। बोर्ड बने के बाद फिर हर जिला में एक थर्ड जेंडर वेलफेयर कमेटी बनी, जेकर अध्यक्ष कलेक्टर रही से, तेमन थर्ड जेंडर के पहचान करें, और पहचान के बाद उमर मल्ला एक एक ठन पहचान पत्र दिन। फिर ऐसे करत करत हाउसिंग विभाग में, नगरीय प्रशासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, रायपुर विकास प्राधिकरण, ये सब विभाग में 2-2% आरक्षण मिले घर और दुकान में। तभी रायपुर में पिछले महीना 100 जन हम संगवारी मल्ला BSUP के मकान अलाट हुई से, और ये मकान के किराए 30,000 है, लेकिन मात्र 2,000 रुपये में अमन मन ज्वाइन करी ने मकान ला। तो ये ओकर बाद फिर अभी एक पुलिस के बहुत बड़ा एक मैं समझती हूँ कि थर्ड जेंडर के क्षेत्र के लिए क्रांति हुई। और ये मतलब उन्होंने कहा कि महिला पुरुष के साथ थर्ड जेंडर भी पुलिस में भर्ती हो सकते हैं, तो हमारे लिए समान अधिकार दिया जा सकता है उसमें भी। हमर बा कालम देश ले कमन दौड़ीन और खूब प्रैक्टिस करें हमन मन, और अभी यहाँ पे रिटर्न के तैयारी करत हन। 27 जन भरे रिन्नी, तेमें से 23 जनों में पास आउट हुईन। ओकर बाद राष्ट्रीय स्तर में भी हमर पहचान हुई। आज देश सोचा देश के बाहर हो, वहाँ भी छत्तीसगढ़ और सेंट्रल इंडिया बने काम करे थे कहके जाना थे, और महूँ खुद 1-2 ठन बाहर के सेमिनार अटेंड करें, तो मोला भी लगी इसकी। और राष्ट्रीय अधिवेशन भी मैं हाँ सेमिनार अधिवेशन ऐसे मैं हाँ मीटिंग अटेंड करे, तो जैसे हमारे राज्य में काम होते तो ऐसे केरल में भी होते, बाकी जगह नहीं हो पाते तो सब जन छत्तीसगढ़ विजिट करे लगाते कि यहाँ कैसे काम होते। तो ये सब देख के मुझे अच्छा लगते कि मैं एक सामाजिक परिवर्तक के रूप में बने काम करत हूँ, और ये दुनिया में इंसान बन के आया हूँ, तो अपन जो फर्ज है, अपन जो ड्यूटी है, और अपन जैसे लोग कहा कि हमारे जैसे लोग मन तो या तो भीख मांगते हैं, या तो बदन बेचते हैं, या तो पूरे ज़िंदगी अपन आपला छुपा के जीते हैं। तो फिर मोला लगे कि नहीं ये क्षेत्र अच्छा है, और मैं भगवान ला धन्यवाद देता हूँ कि वो मोला थर्ड जेंडर बना के पैदा करीस। काबर कि जैसे ये सर है और आप मैंने एक मैडम हो, तो आप दोनों के जो गुण हैं वो मोर भीतर है, और मोर जैसे नसीब वाला कौन हो ही जो आधा ज़िंदगी एक सर के रूप में रहे और आधी ज़िंदगी में एक महिला के रूप में आऊँ। और उसके बाद जैसे पूरा पृथ्वी ला भी हमन मन देखन, ता पूरा जल और थल से मिलके बनी से, तो वो जल और थल दोनों गुण मोर अंदर में हावे। और जैसे हमन पूरा दिन और रात प्रकृति मानन, जैसे दिन ला हमन पुरुष मान लेथन और रात ला हमन मन कोई महिला मान लेथन, अब ये दोनों के मिश्रण ला हमन सांझ कथन, तो थर्ड जेंडर तो वो सांझ है, वो शाम है, वो संध्या है। तो आप सब जन ला शाम बहुत पसंद है, तो जब हम देखते हैं कि ये नेचर के जो डाइवर्सिटी है वो सब वो जन ला पसंद आते हैं, तो जेंडर के डाइवर्सिटी ला काबा लोग नहीं एक्सेप्ट करें। लोग ये विषय में पढ़ें, लोग इस विषय में जानें, तो ही लोग मन उदार बनी, तब उदारवादी सोच बनी, और उदारवादी सोच बनी तो हमर समाज भी आम समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे साथ साथ बराबर चले के लायक बन सकी। अपन जो मितवा समिति अभी बनाए हो, तो वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में है या वो कहाँ कहाँ है, ओकर उद्देश्य? मितवा समिति तो हमारे एक ठन रजिस्टर्ड संस्था है, और वो छत्तीसगढ़ में काम करते, और जैसे हमन मन अब चूंकि सरकार के ही हर जिला में थर्ड जेंडर वेलफेयर कमेटी बन गई से, सरकारी आदमी मन है, उनमें कलेक्टर है, अपर कलेक्टर है, एक मनोवैज्ञानिक है, उनमें संयुक्त संचालक का समाज कल्याण है, समाज कल्याण के है, उनमें कम्युनिटी मेंबर है, तो हमन मन वही ला एक्टिव करथन। तो ज़्यादा और सरकारी ज़्यादा अच्छा है कि सरकार के मैगनिज्म गाँव गाँव तक है, तो गाँव गाँव में भी ट्रांसजेंडर है। तब ये में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए कोशिश करे जाए, समिति तो फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमन मन ये चाहते हैं कि सरकार के जो काम है ना ओला ज्यादा उनके साथ लेके चले तो ज्यादा सफल। हाँ हाँ हाँ।
हमन मन काबा की क्या है ना, ये देखो प्रोजेक्ट पे काम करी समिति, लेकिन सरकार के काम हर व्यक्ति ला फायदा पहुँचाए, तो हमन सरकारी जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी ना ओला एक्टिव करे के ज़्यादा कोशिश कर रहे थे ऐसे। और अभी जो आप मन इतना अपना अपना चेंज कर ले हो, तो घर परिवार के का माहौल अभी, मतलब माँ तो चले गए तो अभी भाई हुई बहन हुई ओ मन ला, आप मन इसने स्वीकार करे कि नहीं करे कि आज भी आप मन जब जाते हो तो रूप बदल के जाना पड़ते है? नहीं, मैं शुरू शुरू जात रहे हूँ तो पहले पेंट शर्ट में जाऊँ, फिर वापस विद्या से विकास बन जाऊँ, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं विद्या के रूप में ही जात रहे हूँ। लेकिन मैं जैसे बताया कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन में है, फिर एक रिलेशनशिप में रहे हूँ, और वो रिलेशनशिप में मैं जब रहे हूँ तो मोला लगीस कि मैं अपन भाई से अपन हिस्सा ला मांग लूँ, बेच लूँ कह के। तो मोर भाई ला कहा 3-4 महीना हो गई तो मोर बात में सुनिच नहीं, सीरियस ही नहीं हो। तब फिर एक दिन मैं यहाँ तहसील में एप्लीकेशन लगाया कि खेत में अपन नाम जुड़वाना चाहता हूँ और जो बारीक जमीन है तेला मैं अपन हिस्सा में कराना चाहता हूँ। तो फिर मोर भाई है वो दिन से मोर से बातचीत करना बंद कर दी। जब भी मिलें हमन कोर्ट में ही आमने सामने मिलें, मोर वकील होकर वकील लड़ीस, वो एक जगह मैं जीत गई हूँ, होकर बाद फिर वो दूसरा कोर्ट गईस, वहू कोर्ट में मैं यहाँ जीत गई हूँ। तभी घर में शादी ब्याह होते थे, मोर बड़े भाई है नहीं बुलाए और मोर बहन भी नहीं बुलाए, काबा की पता नहीं वो जीजा जी शायद मना करते या वहू डराते, तो वो है नहीं बुलाए। वो जैसे स्कूल में कभी कभी जाते हो ना तो 1 किलोमीटर दूर में रहते हो मैं यहाँ, तो मोला कहते कि मुँह बांध के आबे और मैं तो मुँह नहीं बांधो, लेकिन वो मुँह काला बांधते और वो आते और 1-2 मिनट रहते और फिर मोल देख के चल देते। तो दुख लगता है कि मैं उनके घर में एक डॉग भी रहता है और एक मतलब स्वान भी है, लेकिन मैं उस घर पे नहीं जा सकती। ये बहुत दुख की बात है कि मैं इंसान होते हुए भी इंसान हूँ, इसके लिए लड़ रही हूँ। नहीं तो आप मन इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो, तब भगवान की कृपा घर तक भी पहुँच जाओ, वो मन भी आप मन एक्सेप्ट कर लिए, आज नहीं थे कल सही हाँ। लेकिन अब हमार अंजोर के संगवारी मन भी ये जानना चाहते कि भले एक रिश्ता टूट गए पर आगे के आप मन के का प्लान है? मैं हाँ तो मोर जिंदगी के जैसे 1 घंटा भी बात से रही है, मोला कोई बिहाव ऑफर करिए तो भी मैं जरूर करना चाहूँ, काबा की मैं दुनिया में इंसान बन के आया हूँ, इतना सब करे मोला हाँ, अभी भी बचे है जेकर आखिर तक उम्मीद है, क्योंकि हर कोई ला प्यार पाए के अधिकार है ना, जैसे आप मेला प्यार पाए के अधिकार है, आपके विवाह के सुविधा है, कानून में है, समाज में है, तो मोर बाकाबा नहीं है हाँ, वो भी होना चाहिए। और मोर नीड है ना, वो तो मोर हाँ। तो नीड है, और यही समाज मोला सिखाए से कि गुड्डा है तो वो साथ में गुड्डी रहेगी, राम एक साथ ही हाँ। तो सभी लेते, आप मन भी चाहते हो कि वो आप मल्ला मिले हाँ, अभी तक सिंगल हो हाँ, और अभी मैं खुश हूँ अपन लड़का मन के साथ में कि जत का जल्दी अभी 29 तारीख के परीक्षा है, जो ट्रांसजेंडर बच्चा मन तैयारी करते हैं पुलिस के, 29 तारीख के एग्जाम हो ही तो फिर दूसरा मिशन में काम करूँ। वैसे भी कल हमारे बहुत बड़ा एक एग्जीबिशन लगे रही से, और एक अलावा अभी सब विभाग के विभाग में एकठन सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप होते, 3rd जेंडर सेंसिटाइजेशन इंटरप्शन और कोऑर्डिनेशन वर्कशॉप, ते में सुप्रीम कोर्ट के का डिक्लेरेशन है ओकर बिहाफ में वहाँ पे एक कार्यवाही तैयार होते, तो हमन मन वो कार्यवाही तैयार हुई तिला मिनिस्ट्री में एडवोकेसी करबो तो शायद लड़का मन बा और ऑप्शंस खुली, काबा कि ये लड़का मन 8 घंटा काम करें बने काम, तब लोग बाग मन के जो सोच है 3rd जेंडर बनवा किन्नर बनवा हिजड़ा समाज बा वह सामान्य होते जाए, और सामान्य हो ही तभी हमार सामाजिकरण हो ही। आप मन के इतना आगे बढ़े के बाद भी अगर कहीं पर ऐसने कोई इंसान है और जे मन चाहत हुई कि वो आप मन तक पहुंच सके, तो ओखर मन पर कोई रास्ता आप मन बना के रखे हो, मतलब कि आप मन जाना तो कि हुई तो हमन ले आबो हाँ। और अगर आप मन नहीं जाना तो वो है और वो चाहे कि आए लेकिन कोई रास्ता नहीं मिली तो वो मन का कर सकते हैं? नहीं देखो अभी तो ऐसा है कि हमन मन कोयला लान नहीं, सब जगह 3rd जेंडर वेलफेयर कमेटी के ऑफिस है समाज कल्याण में, तो जो जिला के 3rd जेंडर पर्सन है ओला लगत है कि मैं यहाँ 3rd जेंडर जैसी हूँ, चाहे वो कोई लड़की हो और उसे लड़का महसूस होता हो या कोई लड़का हो जिसे अपने भीतर में लड़की महसूस होते, त
तो वो हाँ समाज कल्याण विभाग में जा सकते, अपन काउंसलिंग करा सकते। और जैसे कि जो मनोवैज्ञानिक है ओला लगी कि ये थर्ड जेंडर व्यक्ति है, तो वो थर्ड जेंडर के ओला परिचय पत्र बना के दी। वैसे भी वो ज़्यादा से ज़्यादा आजकल सोशल जो मीडिया है वो में भी गूगल में टाइप कर सकते थर्ड जेंडर का है, उमन के मनोवैज्ञानिक का होते, कैसे आइडेंटिफाई होते, और का हार्मोन्स ट्रीटमेंट होते, का लेज़र ट्रीटमेंट होते, कैसे सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी होते, ये सारा कुछ सोशल मीडिया में भी कर सकत है। और अपन डिस्ट्रिक्ट में जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिस है वहाँ जाके भी अप्रोच कर सकत है। तो अब पहले जैसे तकलीफ नहीं है, जैसे हाँ, मैं यहाँ गाँव वाले भाग खुल गई है, अभी रास्ता खुल बहुत सारा हाँ है। और सरकार ही मदद कर रहे थे, और मैं तो खुद सरकार के एक बॉडी में हूँ, मैं यहाँ मेम्बर ऑफ थर्ड जेंडर वेलफेयर बोर्ड हूँ। और वो जैसे बोर्ड में जो हमन जो भी योजना बनाथन, जो भी कार्यवाही करथन, वो कार्यवाही के कोई कार्यवाही होते तेला जिला में भेजते, डायरेक्टेड में भेजते, और डायरेक्टेड ले सब जिला में भेजते, और जिला के बाद में जिला में काम होते। वैसे भी अभी सब हमन में सब जोन जो हावे हमार संभाग, ते हमन रायपुर संभाग में अभी एक थर्ड जेंडर मेला करें, जिनमें सरकार के जितना विभाग किरी से तेमन सब स्टॉल लगा रही ने। तो आगे प्लान है एक थर्ड जेंडर स्पोर्ट्स मीट के स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के। ओकर बाद प्लान है कि हमन सब संभाग में एक एक ठन शिविर करन, ताकि सरकारी आदमी के साथ में हमारे समाज के इंटरप्शन हो जाए और सरकारी योजना मतलब जान सके। विद्या जी, आप मन हमन संगवारी मन ला अतेक सारा जानकारी दे हो, ओखर पर बहुत बहुत धन्यवाद। हमन मन ला टाइम दे हो, आप मन के शुक्रिया। हमर अंजोर के संगवारी मन हा, विद्या जी हा आप मन ला बहुत सारा रास्ता बताई से। अगर आप मन के आसपास कोई ऐसने संगवारी है तो ओखर मन के जरूर मदद करूँ, और ओमन ला जो रास्ता है ओमन ला बताओ कि ओमन आए और विद्या जी से मिले, ताकि ओमन ला भी जिंदगी के अस्तित्व तक पहुँचे के पूरा पूरा रास्ता मिले। ओमन ला सब जन ला अधिकार है कि ओमन अपन अधिकार से जिए। आप मन के आसपास कुछ हुई तो मन ला याद से जरूर बता दूँ। अगले हफ्ता हमन ऐसने कोई संगवारी सर जरूर मिलबो जे अपन जिंदगी के कहानी ला हमला सुनाई। धन्यवाद।